अगर मुलायम सिंह जी ने डॉक्टर लोहिया को सही मायने में, क्यों लोहिया जी को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपने राजनीतिक एजेंडे के रूप में उपयोग करने की बजाय उनको सही मायने में आत्मसात किया होता तो ये टिप्पणी उनके द्वारा नहीं होती। क्योंकि रामकृष्ण और शिव को किसी ने समझा है तो वह डॉक्टर लोहिया ने बहुत अच्छे ढंग से समझा था, उन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा भी है। रानी भंसाली हो या कोई और, मुझे लगता है कि अगर धमकी देने वाले दोषी हैं तो ये भंसाली भी कम दोषी नहीं है, जो जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आदि बन चुके हैं। कार्रवाई होगी तो दोनों पक्षों पर समान रूप से जी। लेकिन जिस रूप में किसी की जान लेने की बात होती है, ये आपको लगता है कि इससे परहेज करना चाहिए इस तरह की? देखिए, परहेज सबको करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार और अच्छे भाव सभी लोग रखेंगे तो सौहार्द की स्थापना होने से। किसी भी वंशवादी पार्टी में आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप दावेदार बनेंगे? वहां तो राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना है। तो एक तो कांग्रेस जिस वंशवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है तो सोनिया जी के बाद राहुल जी ही उसमें आने हैं, इसमें इतना ढोल पीटने की आवश्यकता है भी नहीं। दूसरा, जहाँ तक बात है राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, मुझे लगता है कि हमारे कार्यों को और आसान बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत का जो आह्वान 2014 में मोदी जी ने किया था, राहुल गांधी के आने के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा।